लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज भी नहीं, कल भी नहीं और परसों भी नहीं। मगर क्यों? बड़े बुद्ध हो तुम। ओ, माना अब तक शादी नहीं हुई थी, घोड़ी नहीं चढ़ी थी, मगर बारात ने बहुत देखी थी और अब तो घोड़ी भी चढ़ ली। ऐसे मौके पे लड़की वाले लड़के वालों से कह देते कि 3 दिन बाद का मुहूर्त निकालो। पहले तो मेरे बगैर जीना मुश्किल हो रहा था, 3 दिन इंतजार कर लेते क्या? कुंवारा होता तो इंतजार कर लेता, मगर अब जी चाहता कि सर दीवार से दे मारूं। इतनी भी क्या बेसब्री, मैं तो तुम्हारी हूं राजेश। भगवान करे अगले जन्म में तुम भी लड़का बनो और तुम पे भी ये बीते, तो पता चलेगा। तुम्हारी ये मुराद कभी ना पूरी होगी, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से तुम्हारी पत्नी हूँ। पिछले जन्म में भी थी, अगले जन्म में भी बनूंगी। पच्चीस मार्च मेरी शादी की रात, सोचा था ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात होगी, मगर ये भी नहीं और ये भी नहीं। 28 मार्च आज का दिन, आज की रात। ओहो, माँ जी का भी कोई जवाब नहीं, समझ में नहीं आता शादी मुझसे करवाई या अपने आप से। इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं, अभी तक भेजने का नाम नहीं ले रही। नीला, नीला डार्लिंग, नीला डार्लिंग, ये क्या कर रहे हो? उतार दो मुझे, सुनो तो, सुनो। पिछले 3 दिन मेरे लिए 3 युगों के बराबर भी थे। इसका तो मैं दोष ना बनो। आज तो मैं तुम्हारी क्या एक न सुनूंगा। तुम्हें मेरी कसम। क्या है? तो फिर ये लो। ये किस लिए? सभी तो इस्तेमाल करते हैं, आज के जमाने में ये जरूरी है राजेश। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि राजेश,
तुम समझते क्यों नहीं? मुझे औलाद चाहिए। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे लिए तो 9 महीने इंतजार करना भी मुश्किल है। राजेश, मैंने 3 साल इंतजार किया, 3 साल और इंतजार कर लेता अगर हमारी शादी न हुई होती, मगर अब तो जी चाहता है। राजेश, मेरा भी तो कुछ ख्याल करो, मेरे सीने में भी दिल है, मेरे भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं तुम्हारी शरीर की जिंदगी हूँ, इस संबंध में बराबर की हिस्सेदार। जिस शर्त पे हिस्सेदारी कायम की गई है, अगर वो शर्त पूरी ना हो तो ये संबंध संबंध नहीं। कहो मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? मुझे मजबूर ना करो राजेश। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। नहीं 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 नहीं, टच मी। बेटी क्या है? ना जाने वो सुबह सुबह कहाँ चले गए, आपने उन्हें देखा है क्या? मुझे भी सुबह से नजर नहीं आया, क्या बात है बेटी? कुछ नहीं। आइए आइए मिसेस, क्या बात है? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। जी जी नहीं, बस उनसे जरा मिलना था। अश्योर राजेश साहब आज नहीं आया। नहीं आए तो फिर कहाँ गए? Thank you.
मजाक उड़ा रही हैं? नहीं राजेश, दरअसल जब दो अनाड़ियों की शादी कर दी जाती है तब वही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। आप तो तजुर्बेकार हैं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। इससे कोई फायदा ना होगा क्योंकि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। तो क्या इसका कोई हल नहीं? अब तो आपने सब कुछ सुन लिया जीजा जी, कोई मेरा ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं। अब आप ही बताइए आपके अलावा मेरा ऑपरेशन कौन कर सकता है? नहीं नीला, ये मुझसे ना हो सकेगा। तुम तो मेरा दुख जानती हो जिसे बरसों से मैंने अपने सीने में दबा रखा है। एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं आज तक बाप ना बन सका क्योंकि तुम्हारी दीदी को बच्चा हो ही नहीं सकता। हमने तुम्हें ही अपनी बच्ची मानकर बचपन से पाला है, शायद इस उम्मीद पर कि तुम्हारे बच्चे का मुंह देखकर मेरा और तुम्हारी दीदी का अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। लीला, तुम्हारी दीदी कभी मां नहीं बन सकती मगर तुम तो मां बन सकती हो। फिर मां बनने का गौरव हमेशा हमेशा के लिए क्यों खो देना चाहती हो? इसलिए कि औरत का सबसे बड़ा गौरव उसका पति होता है। मैं उनके लिए सब कुछ खो सकती हूँ, यहाँ तक कि दीदी को भी, आपको भी और अपने आप को भी। ये बातें तुम अपने जीजा को समझा सकती हो मगर डॉक्टर शर्मा को नहीं, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसे अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं समझता। मैं ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे मान के सिंदूर से होली मत खेलिए जीजा जी, होली मत खेलिए। मुझे जीजा जी नहीं डॉक्टर कह के पुकारो। ओके डॉक्टर, मगर जाने से पहले इतना कह जाती हूँ कि डॉक्टर तभी मरीज को बता सकता है जब मरीज खुद जीना चाहे, और जो मरीज जीना नहीं चाहता उसे दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता, डॉक्टर शर्मा भी नहीं। चीज गलत हो गई, हर बात गलत हो गई। इधर तुमने मां बनने से इनकार कर दिया और उधर राजेश, उनको क्या हुआ माँ जी? वो चला गया। चले गए कहाँ? मुझसे कह गया है 7 दिन के बाद वापस आएगा, लेकिन मुझे लगता है अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लोग स्वर्ग और नर्क की बातें करते हैं, ये दोनों अगर कहीं हैं तो इसी दुनिया में। मैं पहले नर्क में था और अब स्वर्ग में। Thank you.
It seems to be a private drive. लगता है किसी बहुत बड़े रईस का बंगला है। हाँ, वो मेरा अजीज दोस्त है और ये जगह हमारे प्यार की मंजिल है। Hi, baby, come on, my darling, sweetie, come on. इनसे मिलो, ये है राजेश, मेरा नया दोस्त, जिससे मुझे प्यार हो गया है। How do you do? मेरी महबूबा को आपसे प्यार हो गया है और आप सोचते हैं मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा? कभी नहीं। Man, I want to feel you. मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। मैं जानती थी तुमसे ये ना हो सकेगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहां लाई थी ताकि तुम महसूस कर सको कि तुम क्या हो। मुझे यकीन है तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है कि तुम गलती करने जा रहे थे, क्योंकि अपनी पत्नी के अलावा तुम किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम उसे बेहद प्यार करते हो। उसके पास लौट जाओ राजेश, गो बैक टू हर, अपनी पत्नी के पास लौट जाओ राजेश। मैं तो कुछ और समझ बैठा था, मगर तुम तो देवी हो। मेरी बात छोड़ो, मैं वो सदा बाहर हूं जिस पर बाहर कभी नहीं है, मगर तुम वो बाहर हो जो बसंत बाहर को ला सकती है। जाओ राजेश, जाओ।